जेरी भैया ने कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। चलिए उसी का एक एक्सप्लेनेशन हिंदी में करते हैं। ये सैमसंग की तरफ से आने वाला अब तक का सबसे हाई एंड फोन है। अब तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। पीछे ब्लैक पेपर है जो कि बैक पैनल को स्क्रैच होने से बचाता है, इसे हटा लेते हैं। सामने की तरफ भी एक ब्लैक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो स्क्रीन को स्क्रैच होने से बचाता है, इसे भी हटा लेते हैं। बढ़ते हैं डिस्प्ले स्क्रैच रेजिस्टेंट की तरफ। तो यहाँ पे सैमसंग ने गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोडक्शन दिया है। नंबर्स की मार्किंग करते हैं और नंबर्स के हिसाब से स्क्रैच करते हैं तो हम यहाँ पे लेवल 6 में हल्के फुल्के स्क्रैचेस दिख रहे हैं और लेवल 7 पे ज़्यादा डीप स्क्रैचेस दिख रहे हैं। यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो ग्लास के पीछे छिपा हुआ है। साइड एजेस बने हैं आर्मर्ड एल्यूमिनियम से जिसपे स्क्रैच करते ही कलर निकल गया और सिल्वर एल्यूमिनियम दिखने मिल रहा है। साइड बटन्स भी मेटल से बने हैं जो कि बड़ी आसानी से बाहर आ गए। ऊपर की तरफ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक है, इस साइड में कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ टाइप सी पोर्ट है जो सपोर्ट करता है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन पोर्ट। सिम का ट्रे है जिसमें क्रीम रबर रिंग है जो इस फोन को IP68 रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है। लास्ट में एस पेन भी है जो कि एज ए रिमोट काम करता है कैमरा के लिए। इसमें एक ब्लूटूथ चिप भी है और एक छोटी सी बैटरी है जो वायरलेसली चार्ज हो जाती है इस फोन के अंदर। बैक में भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट है। यहाँ मिलता है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। बात करें S22 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा के बीच कैमरा डिपार्टमेंट में डिफरेंस की तो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है S23 अल्ट्रा में जो कि सच में बहुत बढ़िया फोटोज़ कैप्चर कर सकता है। यहाँ पे आप चांद की और भी क्लियर फोटोज़ कैप्चर कर सकते हो कंपेयर टू लास्ट जनरेशन। फिर मिलता है 10 मेगापिक्सल का 10 times टेलीफोटो जूम कैमरा और 10 मेगापिक्सल का 3 times जूम कैमरा साइड में। बात करें तो 200 मेगापिक्सल कैमरा मिलना बहुत अच्छी बात है पर 1,24,000 के लिए 200 मेगापिक्सल सोचने की बात हो सकती है। स्क्रीन का लाइट टेस्ट भी करके देखते हैं। यहाँ पे मिल जाता है 6.8 इंचेस का 2K डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि बैटरी सेव करने के लिए वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर यूज़ करता है। अगर आपको इसके डिस्प्ले स्पेक्स में कुछ सिमिलैरिटीज लग रही हैं तो ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो लास्ट ईयर सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में भी यूज़ की गई थी। लाइटर टेस्ट में तो डिस्प्ले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मीन्स एक भी पिक्सल डेड नहीं हुए और हल्का फुल्का सा कलर ग्रीन भी नहीं दिख रहा है तो भी अच्छी बात है, मीन्स डिस्प्ले इस बार बहुत क्वालिटी वाला यूज़ किया है। करके देखते हैं बैंड टेस्ट फ्रंट और बैक का। पूरी ताकत लगाने के बाद भी फ़ोन बैंड नहीं हो रहा है, इवन हल्का सा फ्लेक्स भी नहीं है फ़ोन के अंदर। तो ये मानना पड़ेगा सैमसंग ने S23 अल्ट्रा को बहुत ही ड्यूरेबल और रैकेट बनाया है।